बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी हैं। तो आज हम आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लकी वन की साइट गुलशन इकबाल में, और यहाँ पर जैसे कि आपके इल्म है कि कराची में सीवरेज की लाइनों का एक बड़ा मसला था। अब इन मसाइल के ऊपर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ पर सीवरेज की जो पुरानी लाइनें थीं उन सबको ख़त्म कर दिया गया है और नई लाइनें डाली गई हैं। उसके बाद मशीन जो है अब ज़मीन को जो है लेबल कर रही है, और फिर उसके बाद इस सर्विस रूट को बना दिया जाएगा। सामने आपको लकी वन का एरिया नज़र आ रहा होगा, और ये UBL स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ये तमाम लाइनें डाली जा चुकी हैं सीवरेज की लाइन की, और कराची में इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की लाइनें पर काम तेज़ी के साथ जारी है। बरसाती नाले भी बनाए जा रहे हैं, और ये तमाम वो काम हैं जो काफ़ी सालों के बाद अब किए जा रहे हैं। शुक्र है कि फिर भी काम स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये देखा है कि जब बारिश हो जाती है तो हर जगह पानी जमा होता है, और उसके साथ सीवरेज की लाइनें फुल हो जाती थी। उनकी वजह ये थी कि सीवरेज की लाइनें खस्ता हाल हो चुकी थी, चौक हो चुकी थी, और आगे पानी क्रॉस नहीं करता था तो वो रोडों के ऊपर जमा हो जाता था। इस वक्त दूसरी साइड पर हम मौजूद हैं। ये नॉर्थ नाजाबाद का इलाका है, डेंटल कॉलेज की साइड पर। यहाँ पर भी बरसाती नाले पर तेज़ी के साथ काम जारी है। मशीन आपको स्क्रीन पर काम करती हुई नज़र आ रही है, और ये तमाम खुदाई जो हमारे राइट साइड पर चल रही है ये बरसाती नाले को सही करने के लिए है। इसी तरीके से हमने आपको अपडेट दी थी 5 स्टार चौरंगी से लेके लंडी होटल चौरंगी तक, वहाँ का भी काम मुकम्मल हो चुका है, और अब शिपोनर कॉलेज से लेके लड्डी 5 स्टार चौरंगी तक का बरसाती नाला और सीवरेज की लाइनों पर काम तेज़ी के साथ जारी है। तो आज हमने सोचा आपको मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ जगहों की अपडेट दी जाए। और ये भी एक सीवरेज की लाइन का नाला है, और इसके ऊपर भी काम तेज़ी के साथ शुरू किया जा रहा है। शुरू की साइड से जहाँ मैंने आपको दिखाया, तो ये वो मसाइल थे जिन्हें कभी देखा नहीं गया था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट इस पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, और एक प्लानिंग के तहत ये तमाम काम जो है वो किए जा रहे हैं। और एक ही अच्छी बात है कि अब कराची पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिनमें सबसे बड़े मसाइल सीवरेज की लाइन के थे, बरसाती नालों के। इसी तरीके से गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद डिफेंस नाले पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। हमने सोचा आज आपको तमाम इलाकों की अपडेट एक साथ दी जाए, कहाँ कहाँ क्या काम हो रहे हैं। अभी हम गुलशन इकबाल की साइट पर मौजूद हैं, और वहाँ ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, और गुलशन इकबाल में जो काम जारी है KCR पे, उसको फिर एक नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, और वहाँ जो अंडरपास बन रहा है कितना काम हुआ है। तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा और जानिए ये तमाम कामों की सूरत हाल। और हम अब करीब पहुँच चुके हैं 13D के इलाके में गुलशन इकबाल के, और इसके बाद ये देखें हम KCR के ट्रैक के साइड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंडरपास के सिलसिले में काम जारी है, और उसकी बेसमेंट वगैरह बनाई जा रही है, सरिया वगैरह डाला जा चुका है, कुछ काम बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला इधर भी जल्द से जल्द भराई शुरू हो जाएगी, और इधर भी अंडरपास ज़ेरे तामीर है तो वो भी जल्दी मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मौजू पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।